नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका गाइड उज्ज्वल, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों यार, आजकल सेल्फी लेने का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है, और अब तो यार लोग रील्स बनाने लगे हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाने लगे हैं। हर व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमेशा आपकी फ़ोटो क्लिक करे। ऐसे में आप क्या करते हो, खुद ही अपनी सेल्फी लेते हो अपने हाथ से। बट अगर आप कहीं घूमने जाते हो या आप अपनी फ़ोटो खुद की खुद क्लिक करनी हो, क्योंकि आप कहीं घूमने गए हो, तो हर जगह आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई मेरी हमारी ज़रा फ़ोटो ले लेना, लो यार फ़ोन हमारा ज़रा फ़ोटो ले लेना। तो इससे अच्छा है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक उपाय आप लोग के लिए ले आया है, और एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि पोपियो करके है, और ये बेसिकली एक रिमोट कंट्रोल है, आपके फ़ोन के कैमरे का रिमोट कंट्रोल। जी हाँ, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, कैसे ये काम करता है, क्या है ये प्रोडक्ट, कैसे वर्क करता है, और कैसे आप इसे यूज़ में ले सकते हो अगर आप खुद की वीडियो शूट करना चाहते हो, फोटो क्लिक करना चाहते हो, वॉट एवर आप जो भी करना चाहते हो, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो इस रिमोट से। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो फाइनल दोस्तों, चलिए जल्दी से कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, सामने की तरफ पोपियो करके मेंशन किया गया है, पीछे इसका प्राइस मेंशन किया गया है 600, बट मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया है, मैंने अमेजोन से इसे ख़रीदा था। और बेसिकली यहाँ पर लिखा है ब्लूटूथ रिमोट शटर, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, बॉक्स कुछ इसी प्रकार मिलता है। तो ऊपर यहाँ पर ये पैक मिल जाता है, ऊपर से हम इसकी सील जो है वो ब्रेक कर लेंगे। जैसे हमने इसकी सील को ब्रेक किया, तो कुछ इस प्रकार हम इस बॉक्स को निकालेंगे, एंड जैसे हमने इसको स्लाइड किया तो बस, और हमें बॉक्स में कुछ मिलता नहीं है, इसको साइड में रखते हैं। जैसे आप निकालोगे तो ये आपको सामने की तरफ आपका रिमोट रखा मिल जाएगा, ठीक है, छोटा सा। एंड इधर साइड में मे बी दोस्तों यहाँ पर एक पेपर दिया गया है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसे यूज़ करने में तो यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हो, ये मेंशन किया गया। बाकी बॉक्स में हमें और कुछ नहीं मिलता है। तो अब डायरेक्ट बात करते हैं अपने रिमोट की। तो इस रिमोट को हम यहाँ इस पन्नी से लेते हैं निकाल, एंड हमें यहाँ पर एक कार्ड भी मिल जाता है, और ये कार्ड है रिमोट शटर फॉर iOS एंड एंड्रॉयड, मतलब ये एंड्रॉयड और iOS दोनों ही डिवाइस में ये जो रिमोट है ये काम कर जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, iOS है, तो दोनों में ये रिमोट काम करेगा। एंड पीछे साइड में यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए जो कि बताने लायक नहीं है, ठीक है। ऐसा रिमोट देखने को मिल जाता है जिसमें एंड्रॉयड एंड iOS मेंशन किया गया है, कैमरा 360 लिखा गया है, एंड यहाँ नीचे है रिमोट शटर मेड इन चाइना, ठीक। और अगर हम इसे स्लाइड करके ओपन करते हैं तो यहाँ पर पड़ती है इसके अंदर बैटरी, तो इसके अंदर यहाँ पर बैटरी का यूज़ किया गया है। साइड में आपको ऑन एंड ऑफ का बटन भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने ऑन किया तो यहाँ पर ये ब्लू लाइट इंडिकेट होने लगी। कनेक्ट करने के लिए पहले तो हमें इस रिमोट को ऑन कर लेना है, उसके बाद अपना ब्लूटूथ ओपन करके यहाँ पर हमारा डिवाइस देखने को मिल जाएगा, ए बी शटर, तो इसको क्लिक कर देंगे एंड ये ऑटोमेटिक आपका जो है वो पेयर एंड कनेक्टेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना फ़ोन जो है वो सामने रख दिया है, एंड ये रहा रिमोट। अब मैं फ़ोन को टच नहीं करूँगा, एंड इसकी मैं जो आप कह सकते हो ब्राइटनेस से थोड़ी कम रखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो आप देखिएगा, मैं रिमोट बटन दबाऊंगा, प्रेस करूंगा, एंड फोटो क्लिक हो जाएगी, 1 2 3, देखिए क्लिक हो गई, 1 2, ये देखिए क्लिक हो गई। और इसमें लिखा है iOS एंड एंड्रॉयड रिमोट में, बट ये दोनों ही फ़ोटो क्लिक करने के काम आते हैं। अब तो वीडियो प्ले करता हूँ, तो हाँ मैं वीडियो को भी स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकता हूँ। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, जो खुद की अपनी रील्स या फोटो बना मतलब खींचते हैं इंस्टाग्राम का यूज़ करके या थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करके, तो क्या उस पर भी ये रिमोट कंट्रोल काम करता है। तो जैसे मैंने क्लिक किया एंड हमारी फ़ोटो जो है वो क्लिक हो गई इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे क्लिक हो गई। एंड देखते हैं वीडियो बना सकते हैं क्या लॉन्ग प्रेस करके। हाँ, तो यहाँ पर आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, और अगर रिमोट को लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपके वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लगेगा, एंड इस वाले से भी आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होने लगेगा। मतलब सकते हो अगर आपको कहीं बाहर गए हो, घूमने गए हो, और ऐसी जगह गए हो जहाँ पर आपको खूब ढेर सारे अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करनी है, बट हमेशा नहीं कह सकते ना यार कि भाई प्लीज़ हमारी एक फ़ोटो ले लेना, तो सिंपली आपका रिमोट है और आपने अपना फ़ोन सामने रखा है एंड दैट्स इट, कैमरे के पास खड़े हो एंड धीरे से अपना जो प्रेस है वो बटन प्रेस कर दिया एंड फ़ोटो आपकी जो है वो क्लिक हो गई कुछ इस तरीके से। सो दोस्तों, आपको ये डिवाइस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं इसे अपनी की में भी आप कह सकते हो की रिंग की तरह भी ऐसा यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर कोई चाबी आबी मुझे लगानी हो तो मैं वो भी लगा सकता हूँ इस डिवाइस के अंदर, और बहुत ही यूज़फुल है यार ये, छोटा सा है लेकिन पैकेट बहुत बड़ा धमाका ही करेगा। क्योंकि
फोटो आप कहीं भी क्लिक कर सकते हो, किसी पे डिपेंड नहीं हो। आप कहीं भी घूमने गए, कहीं भी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कुछ भी करना है, बस आपने फ़ोन को रखा और आप जितना भी ग्रुप गया है, कोई भी ग्रुप में आपके गया है, सब लोग खड़े हुए एंड प्रेस किया बटन एंड फोटो आपकी क्लिक हो गई। किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना। और इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अगर आप फ़ोन दूर तक भी रख देते हो ना, तब भी इससे आप फोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक कर सकते हो। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और एक बहुत ही यूज़फुल गैजेट लगा। और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपकी प्रोडक्ट कैसे लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।